ये डबल ट्रिपल स्टोरी डबल बनता है कंक्रीट वाला नहीं है बड़ा के ज्यादा बेहतर रहे वैसे तो अच्छा अच्छा पटे जुलसी सेट करके चले गए हैं देखें पाइप ऊपर हुआ हुआ था इसके ऊपर ये हमने कवर कर दिया ताकि ये सीमेंट जो ताज़ा लगा हुआ है ख़राब ना हो जाए ये मैं वॉश कर लूँ आज सिटी जाना था सिटी भी मैं नहीं जा सका तो गपशप हुई है जी। और ये देखें यम्मी जान ने नान खताई बनाई हुई थी ज़बरदस्त किस्म की आलमंड लगा हुआ है माशाल्लाह तो उन्होंने भी खाए हैं जिसके नसीब में हो जो चीज़ देखें आज बनाएंगे जी ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे मैं खुद ही बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये चिकन निकाल लिया गया है चढ़ा लिया जी और इसमें डाल दिया जी मैंने ऑयल ये मस्टर्ड ऑयल है इसमें बनेगी आज ये चिकन है जी इसको मैंने थोड़ा कर लिया है मैंने कहा इतने ज़्यादा बंदे हैं ही नहीं है ये टमाटर हैं ये सिंपल मसाले हैं और ये प्याज लीमू धनिया हरी मिर्च और अदरक प्याज को मैंने डाल दिया जी कढ़ाई में हल्का सा फ्राई होने पर इसमें फिर चिकन ऐड करेंगे और उसके बाद फिर सारा जो प्रोसीजर होगा साथ साथ आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। आज मेरा कुछ मूड नहीं था ये कुकिंग करने का लेकिन अभी जान एक मोहल्ले में है हमारी जानने वाली हैं वो बीमार हुई नहीं है उनके डायलिसिस हो रहे हैं पाक से भी उनको उनको देखने गई तो मैंने कहा कर लेते हैं बना लेते हैं और इस साथ साथ ये बर्तन भी अभी मैंने धोने हैं जी क्योंकि पानी आने वाला है फ्रेश वाटर आने वाला है उससे धोऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने प्याज को फ्राई करके ये देखिए निकाल लिया है और चूल्हा भी चेंज कर लिया इस चूल्हे पर रख लिया क्योंकि प्याज जल ना जाए और सही तरह अच्छी तरह प्याज को ऐसे चम्मच से निचोड़ के ठीक है जी इस तरह निचोड़ा जैसे पॉलिटिशियन निचोड़ते हैं ना आवाम को इस तरह निचोड़ के मैंने प्याज निकाल लिए। तो अभी इसमें करते हैं जी चिकन फ्राई करते हैं ठीक है जी अभी इसको फिर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी इसमें डालेंगे जी चिकन यहाँ पे जी देखें जी चिकन हमारा हो रहा है फ्राई इसमें अभी डालेंगे जी सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा आवाज़ें आ रही हैं किचन आज हुआ है मेरे वाले नदीम साहब के वाले किचन हुआ है तो शड़ शड़ की आवाज़ें फिर ये आपको सुनने को मिलेंगी ठीक है जी ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है सिंपल बनेगी सिंपल इतनी कोई हाई फाई तरह की बनेगी क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर जो खाना है वो हम चार पाँच बजे खाते हैं ऑलरेडी नाश्ता भी लेट किया है चाय पी लीजिए दिन को तो अबू जान के लिए बना रहे हैं और अम्मी जान के लिए मैं तो आपको पता है ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा खाता हूँ माशाल्लाह ये देखें प्याज भी ऐड कर दिया जब चिकन फ्राई हो जाए प्याज भी ऐड कर देनी और टमाटर ऐसे काट के मैंने देखें ऐसे रख दिए अब इसको ढक के स्टीम पे ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं फिर इसको भून लेंगे और ये जो मसाला जात है ये बाद में डालेंगे ठीक है जी अब इसको ढकते हैं और स्टीम पे बनाते हैं जो सुबह देखें ये पाइप इसको अंदर करके सीमेंट लगा गए इसको ऊपर से हमने ये कवर कर दिया ताकि सीमेंट इसका ज़ाया ना हो पहले ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा आपको साथ साथ ही दिखा दूँ गाड़ियाँ गुजरती हैं ये देखें टाइलें टूट गई हैं लेकिन कवर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम तक सूख जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें मैंने एक चिमटे से ये उतार के देखा है टमाटर का छिलका तो ये उतर रहा है ठीक है जी इसी तरह करके सारे छिलके हैं वो उतार लेते हैं ये देखें जी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था आ जाना भाई क्यों नहीं आ रहा आजा यार आजा क्यों नाराज़ है इसको यहाँ पे रख देते हैं ये देखिए उतर ले इसको सारे उतार लेते हैं फिर मैं आपको आराम से चेक करवाता हूँ जी
छिलके जो टमाटरों के ये देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उतार दिए हैं, कोई एक आधा रह गया हो तो खैर। अब इसको मैं ज़रा भून लेता हूँ और जब ये टमाटर बिल्कुल इसमें मैश हो जाएंगे और इसकी बनाई लग जाएगी फिर इसमें डालूंगा थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया देखो। अच्छा इसमें मैंने दूध ऐड किया है, ठीक है जी, फिर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, फिर इसकी बनाई लगाई है, देखिए माशाल्लाह मसाले मैंने डाल दिए। स्पाइसेज हमारे पास क्या ये वाले, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालता, सिंपल देखो। और मुझे लग रहा है कि ये बड़ी टेस्टी बनी है इंशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा कलर आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई जो है, चिकन कढ़ाई हमारी, मिल्की चिकन कढ़ाई इसको ये नाम दे देते हैं। मैंने ज़रा सा चखा, नमक ज़रा सा मुझसे तेज़ हो चुके हैं, खैर कोई बात नहीं है, ज़रा सा इतना तेज़ नहीं हो, ज़रा सा हुआ, ये मैनेज हो जाएगा, सैलड के साथ बंदा मैनेज कर लेता है देसी खा के। तो ओवरऑल माशाल्लाह ये देखें यमी किस्म की कढ़ाई बनी है जी, अबू जान खुश हो जाएंगे खाएँगे जब इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी भी मैंने देखें भर दिया, अभी ताज़ा पानी आया हुआ है, बॉटल्स भी भर दी हैं और टाइम हो चुका है जी, एक बज चुका है, अभी करते हैं जी जोर की नमाज़ की तैयारी इंशाल्लाह और वज़ू बना लेते हैं। हाफिज़ साहब अज़ान दे रहे हैं जी माशाल्लाह। ये हैं जी हमारे हाफिज साहब माशाल्लाह, बड़ी प्यारी जान दी है। कैसे हैं हाफिज साहब? अस्सलामुअलैकुम। ठीक हैं? क्या सेहत अच्छी है आपकी? खैर आपकी से फिट फाट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए जी? शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक है, करम अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आजकल गायब है सर जी, बस एक दो दिन में वो दवाई बना रहा था। अच्छा, तो वो बना के दिए पेशेंट को, तो बस वो दुरुस्त पे लगा रहा हूँ। ये देखिए मैं जान बाहर से लेमन ग्रास लेके आई हैं, वो जो गार्डन में आपको दिखाया था उस पर लगा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें अभी खुश्क हो जाएगा, फिर इसका ये ग्रीन टी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। अभी पता नहीं कि बना कैसा होगा, बिस्मिल्लाह करते हैं खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त बना जी, नमक का बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, हालांकि मुझे लग रहा था जब बनी थी तो मुझे फील हो रहा था कि नमक मैंने ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई है जी। खाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। खा लिया था जी, और ये देखें जब मैंने सरसों की दवाई है माशाल्लाह फ्रेश है, ये देखें माशाल्लाह। और ये जो है अम्मी जान ज़बरदस्त किस्म का, इसको साफ़ करेंगी फिर काटेंगी और फिर बनाएंगे और फिर मज़े लेके हम खाएंगे जी इंशाल्लाह। अभी नमाज़ पढ़ ली है सर जी, और कारी साहब लेने हैं जी बनाना, बनाना शेक पियेंगे के साथ हमारे माशाल्लाह एजाज भाई भी हैं। ये मार्केट है जी हमारी, मैंने पहले भी दिखाई है आपको, ये फूल देखें जी कारी साहब, हाय 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 कितना प्यारा लगा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। इजाज भाई कितनी खूबसूरती है जी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर आ चुका हूँ, नमाज भी पढ़ चुका था, फिर ज़रा मार्केट गए थे काई साहब के साथ, उन्होंने बनाना और मिल्क लेना था बनाना शेक के लिए, और इधर अम्मी जान ने ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी
साफ करके इसको रखती है, फिर बनाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अम्मी जान ने जो है वो दूध भी जो है वो गर्म कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।